वहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप YouTube चैनल देख रहे हैं हसन अफरीदी स्पीक्स। मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद हुकूमत में शदीद इस्तराब पाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ी बहुत इख्तलाफात भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब तक इमरान खान साहब की ज़िंदगी भी महफूज है और उनको गिरफ़्तार भी नहीं किया जा सक रहा। तो इस वजह से शायद PDM वाले और मरियम नवाज़ ये लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से सपोर्ट हासिल है और ये हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। राणा सनाउल्लाह ने एक इंतहाई ख़तरनाक स्टेटमेंट दिया है जो कि बार बार मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया की जीनत भी बना हुआ है कि या अब हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेगा, और इमरान खान साहब ने हमें इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब हम दोनों का वजूद मुमकिन नहीं है, या हम रहेंगे या वो रहेगा। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये सीधी सीधी इमरान खान साहब को कत्ल की धमकी है। राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद काफ़ी सहाफ़ियों का रद्दअमल आया है और उन्होंने शदीद गम व गुस्से का इजहार भी किया है। बाद सहाफ़ियों का ये कहना है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हरीफ को ये कह दे कि अब यह आपकी वजूद बाकी रहेगी या हमारी, और उसको कत्ल की धमकी दें, तो इसका मतलब यह है कि वो हार मान चुकी है। और यही नज़र आ रहा है कि PDM इमरान खान साहब से शिकस्त खा चुकी है, क्योंकि इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं और इमरान खान साहब का इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। इमरान खान साहब काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अब इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बुकलाहट में ये लोग ये बातें कर रहे हैं। हारून रशीद साहब का तजिया आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी दोस्त भी है और पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का मैक्सिमम लाइक और शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राणा साहब कह रहे हैं हारून साहब जिस सतह पर वो सियासत को ले गए हैं, या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और उनकी कौम ही उनका कबीला ही मनफी हो जाएगा। मतलब भाई ये वक्त का फैसला, मल्टी पार्टी सिस्टम, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, एक धूप थी के साथ गई आफ्ताब के। वो देखो हमारे भाई सुहेल वड़ाइज कहते हैं इनकी तभी मौत का वक्त तभी, उन्होंने कहा, मैंने मेरे अल्फाज नहीं है, कोट अनकोट, नून और पीपल्स पार्टी की तभी मौत का वक्त आ पहुंचा। लेकिन ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम तो होना चाहिए ना, जाहिर पार्टियां तो रहे भाई, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कभी वो फिर देखे बहाल हो जाए किसी और शक्ल में। नवाज शरीफ हमेशा तो मुस्लिम लीग के लीडर नहीं थे, देखिए ना लीडर बदलते रहते हैं, जो थे उनसे पहले और थे, उनसे पहले और थे। बात यह है कि मुनहसर मरने पे हो, जिसकी उन्होंने कहा कानून को नहीं की परवाह नहीं करेंगे, उसूल की परवाह नहीं करेंगे, तो ये खुदकुशी का रास्ता है ना। अच्छा। मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। राणा साहब शदीद फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके हलके में जो सर्वे हुए 25% बढ़तरी है PTI की। अच्छा, उनका अपना सियासी कैरियर भी खत्म हो रहा है, उनके लीडरों का भी खत्म हो रहा है। कल लाहौर शहर से शरीफ खानदान का कोई आदमी शायद ही जीत सके।